तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। एक बॉडी है, मास एम रोटेट इन वर्टिकल सर्कल, आप स्ट्रिंग अटैच है जिसकी ये लेंथ आर है, और डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी टॉप एंड बॉटम। देखो, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे डिसाइड होगी, वो वेलोसिटी डिसाइड करती है। तो कुछ बताया नहीं तो मैं क्रिटिकल कंडीशन ही लेता हूँ। एक बार यहाँ से जस्ट यहाँ पे जस्ट ऐसे तुम फेंकोगे तो मिनिमम वेलोसिटी कितना यहाँ दें कि यहाँ टॉप पॉइंट पे, ये जो है टॉप पॉइंट वर्टिकल और ये जो है बॉटम पॉइंट, है ना, बॉटम पॉइंट। तो अगर टॉप पॉइंट पर तुम देखोगे, टॉप पॉइंट पे इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि इनर्सिया की वजह से एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो ही जाए, यहाँ से इधर चली जाए। तो आई होप कि आपको ये वेलोसिटी आपको याद होगा। यहाँ पर वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू 5 gr अंडर रूट, ठीक है ना। और जब आप यहाँ 5 gr रूट अंडर रूट हो, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो शुड बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू 0 gr अंडर रूट। अब ये डिफरेंस पूछा है तो पॉसिबिलिटी तो बहुत है भाई, कितना भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो 5 gr अंडर रूट तो होगी होगी, तो उस वक्त यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो 0 gr अंडर रूट होगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट नाम रख दो, ये ए और ये बी, तो ए पॉइंट पे आई होप कि ये फार्मूला याद है। नहीं याद है तो जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए पर आ जाएगा हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 5 gr अंडर रूट का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हाफ एम 5 gr, ये वाली चीज़, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। उसी तरह से देखोगे काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी, अगर देखोगे बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो हाफ एम और यहाँ से 0 gr अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो हाफ एम 0 gr अंडर रूट, दिस इज द टू। अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस इन काइनेटिक टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम पे पूछा है, तो टॉप और बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी एट द बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए अगर देखोगे तो हाफ एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा 0 gr माइनस यहाँ से 5 gr, तो डिफरेंस देखोगे तो हाफ एम यहाँ से 4 gr के इक्वल आ जाएगा, मतलब यहाँ से 2 mg/r के इक्वल आ जाएगा। मतलब डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे तो 2 mg/r, मतलब 2 mg/r, इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।